नोएडा मॉल मर्डर केस में मात्र 7,400 के बिल पर सवाल उठाने पर बाउंसर्स ने ली ब्रजेश की जान। नमस्कार, मैं हूं अरिबा नसीम और आप देख रहे हैं न्यूज 10 इंडिया। नोएडा सेक्टर 38 स्थित गार्डन गैलेरिया मॉल के लॉस्ट लेमन पब में बाउंसरों ने बिल को लेकर हुए झगड़े के चलते सोमवार की रात परचेज मैनेजर ब्रजेश की पीट पीट कर हत्या कर दी। ब्रजेश अपने ऑफिस के साथ साथियों के साथ पार्टी करने के लिए लॉस लेमन पब गए थे, जहां उनकी 7,400 का बिल आने को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद पब के करीब दो दर्जन कर्मचारी और बाउंसर्स ने मिलकर ब्रजेश को बुरी तरह मारा। उन लोगों ने ब्रजेश को इतना मारा कि ब्रजेश अधमरा हो गया। इसके बाद ब्रजेश के दोस्त फौरन ही ब्रजेश को घायल हालत में सेक्टर 41 के प्रयाग अस्पताल में ले गए, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में पब के मैनेजर समेत बाकी कर्मचारियों को भी गिरफ्तार कर 16 संदिग्धों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। वहीं मैनेजर की पत्नी ब्रजेश के दोस्तों और पुलिस पर लापरवाही करने का आरोप लगा रही है। उनका कहना है कि अगर दोस्त और पुलिस समय पर मेरे पति की मदद करते तो आज वो जिंदा होते। पुलिस की माने तो ब्रजेश अपनी पत्नी और अपने दो बच्चों के साथ सेक्टर 76 में अम्रपाली प्रिंसले सोसाइटी के रहने वाले थे। ब्रजेश सेक्टर 80 के JLN फेनिक्स कंपनी में परचेज मैनेजर थे और उनकी पत्नी पूजा सेक्टर 132 के DPS में शिक्षिका हैं। आपको बता दें कि लॉस लेमन पब के संचालक लव डींगरा घटना के बाद से फरार हैं। पुलिस मामले की जांच हर पहलू से कर रही है, साथ ही पुलिस ने रिकॉर्डिंग रूम को भी सीज कर दिया है और पुलिस की एक टीम घटनास्थल के आसपास लगे CCTV फुटेज की जांच कर रही है। ब्रजेश की पत्नी पूजा ने बताया कि जब उनके पति ने उनको दिन में कॉल करके पार्टी में जाने की जानकारी दी, जिस पर पूजा ने उनको कहा कि चार्जर देते हुए जाना, शाम में ब्रजेश घर गए और पूजा को चार्जर देने के बाद पार्टी में चले गए। देर रात तक जब वो घर नहीं आए तब पूजा ने उनको कॉल किया, जिस पर उनका कॉल नहीं उठा। फिर उन्होंने उनके दोस्त सुमित को फोन किया और उन्होंने भी फोन नहीं उठाया। बार बार फोन करने पर उन्होंने कॉल उठाकर कहा कि अभी 2 मिनट में कॉल करता हूँ। कुछ देर बाद दोस्तों ने ब्रजेश की तबीयत खराब होने की बात कही, जिसे सुनते ही पूजा अस्पताल पहुंच गई और वहां देखा तो पुलिस ही पुलिस नजर आ रही थी और कोई भी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था। जब उन्होंने अपने पति को देखने की जिद की तो उनको मना कर दिया गया और बाद में उनको शव देखने को मिला। बाद वो रात में 1 बजे तक खोलने का लाइसेंस है, जिस पर अब सवाल उठ रहे हैं। यहाँ मारपीट का ये कोई पहला किस्सा नहीं था, यहाँ पहले भी मारपीट हो चुकी है। पुलिस का कहना है कि बार संचालकों से पूछताछ की जाएगी, अगर बार मानकों का उल्लंघन पाया गया तो लाइसेंस रद्द किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज 10 इंडिया। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।